आज ऑनलाइन क्लास में सिर्फ 4 बच्चे ही प्रेजेंट रहे। तो पेरेंट्स ध्यान दें कि ऑनलाइन क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएं। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3। इट इज़ गिवन दैट लाइन पी इज पैरेलल टू क्यू, और ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये ट्रांसवर्सल लाइन है। फाइंड करना है हमको वैल्यू ऑफ ए बी सी डी ई एंड एफ। ये सारे एंगल इस ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर बने आपको दिख रहे होंगे। अब ये जो 125 और एंगल ई है, ये दोनों एक लाइन पर बने, इनका सम होगा 180 डिग्री, रीजन लीनियर पेयर एंगल। तो ई इज इक्वल टू 180 माइनस 125, ई इक्वल टू 55 डिग्री। बट ये जो ई है वो एफ के इक्वल क्यों है, क्योंकि ये दोनों हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट, तो ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं इस प्रकार से वो इक्वल होते हैं। तो ये ई और एफ ये दोनों होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ई इज इक्वल टू एफ, बट ई है 55 का तो एफ भी होगा 55 का, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब ये जो एंगल एफ है वो ए के इक्वल है, ये एफ इक्वल टू ए, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि एफ और ए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। एक लाइन पी पर बना है और दूसरा क्यू पर बना है, और दोनों की डायरेक्शन भी अपोजिट है। तो ये एंगल दोनों होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बट एफ 55 का है तो ए भी कितने का होगा, 55 डिग्री का, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ये एंगल ए और एंगल सी वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, बिकॉज टू लाइन इंटरसेक्ट तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ए इज इक्वल टू सी, ए 55 का है तो सी भी 55 का होगा, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब ये जो एंगल बी है वो 125 को इक्वल क्यों है, ये एंगल बी देख रहे हैं हम, ये एंगल बी है और ये 125 का है। दोनों एक्सटीरियर हैं, एक्सटीरियर एंगल हैं दोनों, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ये ऊपर की साइड है और ये नीचे की साइड है। तो ऐसे एंगल होते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो बी इज इक्वल टू 125 डिग्री, रीजन अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एंड एंगल बी और डी, ये दोनों हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बी इज इक्वल टू डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बी है 125 का तो डी भी होगा 125 का, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1। लाइन एल एंड लाइन एम, दीज आर पैरेलल लाइंस। लाइन एल इज पैरेलल टू एम, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये जो एंगल 1 है ये हमने अपनी तरफ से लिखा है, क्योंकि 110 और 1 ये दोनों हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 110। अब ये जो 1 और x हैं ये इंटीरियर एंगल हैं और ट्रांसवर्सल लाइन t के सेम साइड में है। इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड हैं ये दोनों, इनका क्योंकि लाइन पैरेलल है इसलिए इनका सम होगा 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल x इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन को इंटीरियर एंगल्स। 110 प्लस x इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 माइनस 110, तो x इज इक्वल टू हो गया 70 डिग्री। सेकेंड पार्ट, ये है 100 डिग्री का एंगल और ये है x, x फाइंड करना है और ये है 80 डिग्री। लाइन l और m पैरेलल हैं तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे, एक बाहर की तरफ है ये और ये अंदर की तरफ है, इंटीरियर एंगल है, डायरेक्शन दोनों की सेम है। ऐसे एंगल्स को कहते हैं हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। देयर फॉर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयर फॉर एंगल x होगा 60 डिग्री का। तो आज आप ये क्वेश्चन अच्छी तरह से फेयर कॉपी में सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।